गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड, मॉडर्न राइटर्स ऑफ एंशियंट इंडिया। उसमें हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान, नेशनलिस्ट अप्रोच एंड कंट्रीब्यूशन। इसमें हम लोगों ने जो वो 10 पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 11 से। इससे पहले हम लोग जो वो केपी जायसवाल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने जो वो हिंदू पॉलिटी नामक विख्यात जो वो पुस्तक लिखी थी। इससे पहले हम के एल नीलकंठ शास्त्री के बारे में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने जो वो हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जो वो लिखी थी। और उससे पहले आर सी मजूमदार के बारे में हमने पढ़ा, उनके द्वारा लिखित एंशियंट इंडिया के बारे में हमने डिस्कस किया था। हिस्ट्री ऑफ बंगाल भी इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। उससे पहले हमने हेमचंद राय चौधरी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया के बारे में लिखा, सॉरी नामक विख्यात पुस्तक लिखी। डी आर भंडारकर के बारे में, उन्होंने कौन सी लिखी थी, सम एस्पेक्ट्स ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर, और अशोक जो वो इनकी पुस्तकें थी, ठीक है। पी बी कार्ने के बारे में हमने पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ दी धर्मशास्त्र जो वो पी बी कार्ने ने लिखी थी। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 11 से। ए एल बासम, ठीक है। ए एल बासम को प्राचीनकालीन भारत का इतिहास के लेखन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। 1951 में आपके द्वारा लिखित वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है। देखिए, आपने जो वो इनकी बुक्स के बारे में जो वो खासकर याद रखना है कि बुक्स के बारे में ही ज्यादातर पूछा गया है कि इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, ठीक है। तो ए एल बासम के द्वारा कौन सी लिखी गई है, वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक आज तक जो वो सुविख्यात है। इसमें आपने प्राचीनकालीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के भिन्न भिन्न राजवंशों के अंतर्गत हुई प्रगति का बहुत अच्छा वर्णन किया है, ठीक है। बासम की यह पुस्तक भारत के राजनीतिक इतिहास से राजनीतिक इतिहास की ओर एक नया मोड़ प्रमाणित हुई। नेक्स्ट है 12 डीडी कोसंबी। डीडी कोसंबी ए एल बासम के पश्चात जो वो डीडी कोसंबी दूसरे ऐसे लेखक थे जिन्होंने प्राचीनकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1965 ईस्वी में आपके द्वारा लिखित पुस्तक, तो 1965 की बात कर रहा है कि इनके द्वारा पुस्तक लिखी थी, वो कौन सी थी, एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन जो वो किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी डी डी कोसंबी ने लिखी थी। अ हिस्टोरिकल आउटलाइन बहुत विख्यात हुई, ठीक है। वह प्रथम ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने प्राचीनकालीन भारतीय समाज और उत्पादन की शक्तियों के बीच संबंधों का वर्णन किया। ऐसा करके उन्होंने भारतीय इतिहास लेखन में एक नया दृष्टिकोण बनाया। विगत 3 दशकों में, ठीक है, दशक का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, 3 दशक मतलब कि 30 साल, 30 सालों में प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वानों के दृष्टिकोण में महान परिवर्तन आया है। अब इतिहास इतिहास के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर अधिक बल देने लगे हैं। यह एक बहुत ही शुभ लक्षण है, क्योंकि समूचे इतिहास का जो चित्र है वो जानने के लिए सामाजिक सॉरी राजनीतिक के साथ साथ इन पक्षों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म की भूमिका पर अधिक बल देने लग पड़े हैं। यह बात भारत के विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा प्रमाणित हो रही है। यह आशा की जाती है कि भारतीय विद्वान आने वाले समय में धर्म निरपेक्ष इतिहास लिखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को गौरवमय विरासत प्रदान करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल से। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।